नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान बाई सगुन पे। हम हाजिर हैं फिर से एक नई रेल खबर लेके, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो रेल खबर निकल के आ रही है वो आ रही है उत्तर पश्चिम रेलवे से। यहाँ पे दो रेलगाड़ियों का दो नए स्टेशन पे ठहराव दिया गया है, तो उस क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो आइए खबर को डिटेल में जानते हैं। तो जो पहली रेलगाड़ी है उसका नंबर है 22987 अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस। इस ट्रेन का नरैना स्टेशन पे दिनांक 29 दिसंबर 2022 से दोनों तरफ से स्टॉपेज आरंभ कर दिया गया है। जब यह ट्रेन आपको अजमेर से आगरा की ओर जाएगी तो नरैना स्टेशन पे सुबह 6:54 पर यह ट्रेन रुकेगी और 1 मिनट रुक के 6:55 पर यह ट्रेन खुल जाएगी। और आगरा फोर्ट से रिटर्निंग के समय यह 29 तारीख से ही नरैना स्टेशन पे शाम को 7:45 में आएगी और 2 मिनट रुक के शाम को 7:47 में खुल जाएगी। तो ये तो नरैना स्टेशन के आसपास के रहने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। दोस्तों, अगर बात करें अगली रेल खबर की तो यह है उत्तर पश्चिम रेलवे से ही गाड़ी संख्या 20473 दिल्ली सराय रोहिल्ला उदयपुर सिटी चेतक एक्सप्रेस के बारे में। दिनांक 29/12/2022 से अप और डाउन दोनों दिशाओं में फुलेरा स्टेशन पर यह ट्रेन रुकना आरंभ कर देगी। तो उदयपुर सिटी चेतक एक्सप्रेस जो है फुलेरा स्टेशन पर 12:18 पर आएगी एवं रात को 12:20 पर प्रस्थान कर जाएगी। चेतक एक्सप्रेस का फुलेरा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव प्रारंभ किया जा रहा है। दोस्तों, चेतक एक्सप्रेस जो है ये डेली चलती है और यह आपको टोटल 673 किलोमीटर का दूरी कवर करती है। दिल्ली सराय रोहिल्ला से यह ट्रेन शाम को 7:35 पर खुलती है और आपको अगले दिन सुबह 7:50 में यह ट्रेन उदयपुर पहुंचती है। वैसे ही बात करें आपको वापसी में, तो यह ट्रेन शाम को 5:00 उदयपुर सिटी से खुलती है और अगले दिन 5:05 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुँचती है। इसी के साथ दोस्तों, आज की रेल खबर हम समाप्त करते हैं। ये दोनों जो रेल खबर है यह उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से थी। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों रेल खबर उस क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको और क्या जानना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।